subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum everyone. Hope that all of you are doing well. आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट MGT 201 असाइनमेंट नंबर 1 है. इसकी जो लास्ट डेट वो December 15, 2022 है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है. इसके 25 मार्क्स हैं और काफ़ी लेंथी भी है. तो इसका जो टॉपिक है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये इसका टॉपिक है. लर्निंग आउटकम्स में है, आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल DDM इन स्टॉक वैल्यूएशन. केस हमारे पास दिया गया है, इस केस को हमने कंसिडर करना है. और नेक्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कंपनी ए, बी और सी, थ्री कंपनीज के रिलेटेड हमें एक डाटा भी गिवन है. कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है. ये भी हमें गिवन जो डाटा है उसके अंदर कंसिडर किया गया है, तीनों कंपनीज का, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी के रिलेटेड. नेक्स्ट हमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, पार्ट ए है उसका, आइडेंटिफाई डिविडेंड पॉलिसी यूज्ड बाय ईच कंपनी, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच शेयर, एनालाइज वेदर ईच शेयर इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड. नोट यहाँ पे टीचर ने लिखा हुआ है, कैलकुलेशंस आर मैंडेटरी इन ईच पार्ट. तो जितने भी हमने आंसर्स लिखने हैं उन सब की जो कैलकुलेशंस है वो नेसेसरी हैं, मैंडेटरी हैं, वो हमने सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड करनी है. तो अभी सॉल्यूशन फाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो किसी भी स्टूडेंट को अगर इसका सॉल्यूशन फाइल चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा LMS हैंडलिंग, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स या कोई भी आपकी वर्किंग और वीयू के रिलेटेड तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे. नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं. पार्ट वन में उसने द डिविडेंड पॉलिसी यूज्ड बाय ईच कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डिविडेंड पॉलिसी हमसे पूछी थी पार्ट ए में. तो हमने कंपनी ए यूजेस नॉन ग्रोथ पॉलिसी, कंपनी बी यूजेस टू स्टेज ग्रोथ मॉडल, कंपनी सी यूजेस कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. तो ये इन तीनों के डिविडेंड पॉलिसी के जो मॉडल्स हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं. पार्ट वन ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. उसके बाद पार्ट नंबर टू है. पार्ट टू हमारे पास क्या था, कैलकुलेट इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ईच शेयर. ईच शेयर की हमने जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है. उसके लिए पार्ट बी में हम सबसे पहले कंपनी ए को कंसिडर करेंगे और इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है उसको हम फाइंड करेंगे. उसका हमारे पास जो गिवन डाटा है, सबसे पहले है पर वैल्यू 10 रुपीज़, मार्केट प्राइस 15 रुपीज़, लास्ट ईयर डिविडेंड प्राइस D0 30 रुपीज़ पर शेयर है, रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो इसको 100 से डिवाइड करके 0.15 हम लिख देंगे. देर इज़ नो ग्रोथ मॉडल, फार्मूला फॉर नॉन ग्रोथ मॉडल V=D/R हमारे पास होता है. पुटिंग वैल्यूज इस फार्मूला के अंदर जब हम डी की वैल्यू यहाँ से कंसिडर करेंगे और आर की वैल्यू, रिटर्न रेट हमें 0.5 दिया हुआ, इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास वी की जो वैल्यू है नॉन ग्रोथ मॉडल वो हमारे पास 20 रुपीज़ आ जाएगी. मार्केट प्राइस इज लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू, जो मार्केट प्राइस थी वो हमारे पास 15 रुपीज़ थी, ये देखें यहाँ पे, और जो हमारे पास वी की वैल्यू आई है वो 20 रुपीज़ है. तो मार्केट प्राइस जो हमारे पास है वो लेस देन दैट इंट्रेंसिक वैल्यू से, ये भी आपने साथ मैंशन करना है. नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कंपनी बी की तरफ. तो कंपनी बी में हमारे पास पर वैल्यू जो है वो 45 रुपीज़ गिवन है, मार्केट प्राइस 98 रुपीज़ गिवन है, लास्ट ईयर डिविडेंड प्राइस D0 पर शेयर था, रेट ऑफ रिटर्न 16% है, 0.16 इसको जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.16 आ जाएगा. इंडिविजुअल ग्रोथ रेट हमारे पास G1=10% है, कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट हमारे पास G2=6% है, V1 1 2 3, V2 3 से इन्फिनिटी, और V=2 हो जाएगा V1+V2. तो V2 का जो हमारे पास फार्मूला N+1/R-G2 हो जाएगा. फार्मूला के अंदर जब हम गिवन वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन फॉर द ग्रोथ V1, ईयर 1 हमारे पास D=1+G और ईयर 2 D8.5×1+0.5 वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो ईयर 1 का आंसर आएगा 9.35. सिमिलरली ईयर 2 के लिए भी हम उसी फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ईयर 2 का जो आंसर होगा वो 10.29 आ गया. ईयर 3 के लिए भी हम सेम फार्मूला यूज करके जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 11.31 आ गया. नेक्स्ट हमने नाउ विल कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू. ईयर 1 के लिए अब हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला D=1+R. डी का आंसर हमने 9.31 कैलकुलेट किया, आर की वैल्यू 0.16 थी.
इसकी जब वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो 8.06 फॉर ईयर वन के लिए आ जाएगा। सिमिलरली ईयर टू के लिए हम करेंगे कैलकुलेट, ईयर टू के लिए करेंगे तो सेम फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे ईयर टू के लिए स्केयर हो जाएगा, सेम वैल्यूज को पुट करेंगे जब हम, तो हमारे पास आंसर 7.62 आ जाएगा। नेक्स्ट जब हमने ईयर थ्री के लिए वैल्यूज पुट करनी है तो सेम फार्मूला, लेकिन उसके ऊपर हम क्यूब लेंगे उसका पावर थ्री, सेम करेंगे तो हमारे पास आंसर 7.25 आ जाएगा। नेक्स्ट वी वन, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों के आंसर्स को 8.06, 7.62, 7.25, इन दोनों को हम कैलकुलेट करके हमारे पास ये फाइनल आंसर वी वन कैलकुलेशन ऑफ वी टू, ये हमारे पास 22.93 आ जाएगा। सिमिलरली वी टू के लिए फार्मूला पुट करेंगे, उसकी वैल्यूज निकाल के कैलकुलेशन ऑफ डी फोर, डी फोर की वैल्यू निकल आएगी, वी टू में उसकी वैल्यूज पुट करने के बाद वी टू का आंसर हमारे पास 76.8 आ गया। नाउ टेकिंग द प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है 76.8 डिवाइडेड बाई 1.56, वी टू हमारे पास 49.23 आ जाएगा। अब हमने 22.3 वी वन और वी टू को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी 71.86। तो यहाँ से जो हमने कंक्लूजन हमें निकलता है वो एम पी इक्वल टू 98 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 71.86। इंट्रिंसिक वैल्यू ये वाली है जो हमने वी वन और वी टू को प्लस करके निकाल लिया है। इट इज़ ओवर वैल्यूड एंड इट शुड नॉट बी परचेज्ड, ये ओवर वैल्यूड है और ये हमें परचेज नहीं करना चाहिए, ये भी हम साथ मेंशन करेंगे। उसके बाद कंपनी सी की बारी आ जाती है। कंपनी सी में वो क्या कहते हैं, गिवन वैल्यूज हमारे पास जो है पर वैल्यू रस 20 है, मार्केट प्राइस रस 32.5 है, लास्ट ईयर डिविडेंड प्राइस डी नॉट इज इक्वल टू रस 2 पर शेयर है, रेट ऑफ रिटर्न 18% है, 0.85 इसको 100 से डिवाइड करके 0.18 आ जाएगा, ग्रोथ रेट जी इज इक्वल टू 10% है, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 आ जाएगा। दिस इज अ कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल, ये हमारे पास गिवन डाटा था। अब हमने वी का फार्मूला इसमें पुट करना है तो हमारे पास डी वन, हमने वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेटेड हैं गिवन में दी हुई हैं, अब उसको पुट करना है हमने। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ डी वन को हम जब पुट करेंगे तो डी नॉट इंटू 1 प्लस जी, डी वन का हमारे पास आंसर आ जाएगा पुटिंग वैल्यूज इन द nth फार्मूला। नेक्स्ट हमने वी इक्वल टू डी वन ओवर आर माइनस जी, उसके बाद वी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है जो कि इंट्रेंसिक वैल्यू है 27.5। इस पर हमने क्या डिसीजन निकाला, एम पी जो है वो 32.5 है, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इंट्रेंसिक वैल्यू, सो इट विल नॉट बी परचेज, तो इसको भी हम परचेज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारी जो कंपनी सी थी वो भी कंप्लीट हो जाती है पार्ट बी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर सी। पार्ट सी में वो हमें क्या कहते हैं कि आपने ये बताना है कि तीनों जो कंपनीज हैं वो अंडर वैल्यूड हैं या ओवर वैल्यूड हैं। तो हम यहाँ पे इसके आंसर्स लिखेंगे, जस्ट सिंपल हमने मैंशन करना है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। कंपनी ए इज इन अंडर वैल्यूड, कंपनी बी इज इन ओवर वैल्यूड और कंपनी सी इज इन ओवर वैल्यूड। तो ये हमारे तीनों यहाँ पे हमारे असाइनमेंट का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर ये रेडी टू सबमिट सॉल्यूशन फाइल चाहिए हो तो वह हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसकी सॉल्यूशन फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी एलएमएस हैंडलिंग की वर्किंग है, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी आपका काम है विजुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।